जजेज इखंड दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू इफ यू आर अपे उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस इंटरव्यू आर गोइंग टू है दो हजार तीस अप्रैल दो हजार चौबीस से लेकर तीन मई दो हजार चौबीस तक आयोग में होने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर होने वाले हैं और उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा के लिए उसी के बारे में ये वीडियो है दीज फाइव मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड टू गेट क्लोजर टू योर सिलेक्शन अभी आप एस्पेरेंट हैं जब तक आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करते द मोमेंट यू क्लियर द इंटरव्यू सिचुएशन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट तब आप एस्पेरेंट से सिविल जज बन जाएंगे और ये जो मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं इस लेसन के अंदर बताने वाला हूं

और जहां तक पुअर फर्स्ट इंप्रेशन की बात है उसमें आपको दो एस्पेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं पहला इन अप्रोप्रिएट ड्रेस एंड अराइविंग लेट देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं ना आपको पता ही होगा कि जैसा पहला इंप्रेशन उसी तरीके से आगे की चीजें होती है 90 परसेंट केसेस के अंदर द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अवॉइड वाइल्ड अपेयरिंग इन उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू 2024 ट्वेंटी is बींग इन अप्रोप्रिएटली ड्रेस इन ड्रेस का मतलब क्या है कि आपको गलत तरीके से कपड़े पहनकर ड्रेस पहनकर नहीं जाना ओकेजन के हिसाब से जाना आर अपरिंग फॉर इंटरव्यू फॉर द जुडिशियल ऑफिस तो उस तरीके से आपकी ड्रेस भी उसी तरीके से होनी चाहिए बोलते हैं ना द वे अ पर्सन ड्रेसेस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिमसेल्फ बिफोर इवन utter अटर word, वो बोलने से पहले उनके कपड़े उनके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं तो जहां तक मेल्स की बात है मेल कैंडिडेट की बात है दे शुड वियर अ प्रॉपरली फिटेड सूट आप ब्लैक एंड व्हाइट भी पहन सकते हैं और आप रॉयल ब्लू कलर भी पहन सकते हैं ठीक है सो दैट वुल लुक नाइस एंड एज फार एज फीमेल कैंडिडेट्स आर कंसर्न दे शुड वियर साड़ी प्रोफेशनल एंड डिसेंट सारी, व्हाइट कलर सारी, पिंक कलर सारी, लाइट पिंक कलर बेबी पिंक कलर और लाइटेस्ट शेड ऑफ पिंक या फिर स्काई ब्लू कलर की साड़ी वो पहन सकते हैं अवॉइड वियरिंग फ्लैशी अनकन्वेंशनल मॉडर्न क्लोथ्स ऑल्सो अवॉइड वियरिंग एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न वियरिंग सो मैनी ज्वेलरीज नेल पेंट्स एटसेट्रा जितना सिंपल रहोगे उतना सलेक्शन की तरफ आप रहेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यू शुड अवॉइड फ्लैसी क्लोथ्स शाइनिंग वाले कपड़े नहीं पहन के जाना है डिसेंट बन के जाना है ठीक है यही आपके लिए अच्छा होगा जो दूसरी चीज है वो है अराइविंग लेट दिस थिंग यू शुड ऑल्सो अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए लेट जाएंगे तो इससे क्या होगा आपके मन में हड़बड़ी होगी और जब इंटरव्यू पैनल के सामने जब आप लेट जाएंगे तो उससे क्या होगा योर इंटरव्यू विल स्टार्ट नेगेटिव नोट और जो चीज नेगेटिव नोट के साथ हुई है कहीं ना कहीं वो आपके इंटरव्यू पर भी ओवरऑल इंपैक्ट डालेगी ठीक है तो कोशिश करिए समय से पहले पहुंचिए क्योंकि आपको पहले डॉक्यूमेंट भी अपने सारे वेरीफाई कराने हैं आपको आयोग ने वेबसाइट पर चेकलिस्ट बना के दिए और एक इंटरव्यू फॉर्मेट जिसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे उसको आज ही भर लीजिए सही तरीके से अपनी चेकलिस्ट को तैयार कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कर लीजिए क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सही से तैयार होंगे तो आधी टेंशन तो आपकी खत्म हो जाएगी ठीक है तो आपको क्या करना है जो मिस्टेक को अवॉइड करना है वो है कि लेट नहीं पहुंचना है समय पर पहुंचना है ठीक है जो अब ये पहला है कि आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन ठीक रखने हैं सेकंड मिस्टेक टू अवॉइड लैक ऑफ प्रिपरेशन लैक ऑफ प्रिपरेशन के रेफरेंस में टू आस्पेक्ट है लीगल नॉलेज सिर्फ लीगल नॉलेज से काम नहीं चलता बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अबाउट द लीगल नॉलेज इट इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी इट इज मोर अबाउट योर जुडिशियल माइंड

के जो मेजर कॉन्सेप्ट है या एविडेंस के कॉन्सेप्ट है न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में अपना थोड़ा ब्रॉड नॉलेज एनहांस कर लीजिए इतना मत डीप में पड़िएगा क्योंकि अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुए बट आपको मेजर चेंजेस हुए हैं मेजर अमेंडमेंट्स होने वाली है तो उसके बारे में पता होना चाहिए इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए ठीक है मेजर तरीके इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी आपके इसी चैनल पर बनाया है अबाउट द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप उसको देखेंगे तो आपको सारे मेजर जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पता चल जाएगा दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर यू इफ यू आर अपियरिंग द उत्तराखंड जुडिश्री इंटरव्यू ठीक है सिविल लॉ के अंदर मर्केंटाइल लॉ के अंदर जो भी आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा जैसे अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो आपके मेजर टॉपिक्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट बेल ठीक है इस तरीके के जितने भी टॉपिक है उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा आईपीसी के अंदर आपको पता ही है मेजर ऑफेंसेस बताने की जरूरत नहीं है मर्डर चोरी रेप वुमन से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर हम सिविल uh, लॉ की बात करें सीपीसी की बात करें प्रोसीजरल लॉ की बात करें रेस जुडिकेटा अपील रेफरेंस रिव्यू रिविजन ठीक है अपेरेंस ऑफ पार्टीज नॉन अपेरेंस ऑफ पार्टीज जजमेंट डेकरी रेसबुडिसट ऑफ सिविल नेचर सूट कहा फाइल होगा और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हाँ जैसे कि आपका गार्निशी का ऑर्डर कहां दिया गया है ठीक है जजमेंट डेटर कौन होगा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मर्केंटाइल लॉ के अंदर आपको

एक फर्स्ट वीडियो उसी सीरीज के अंदर हमने मेजर चेंजेस ब्रॉट बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ न्यू क्रिमिनल लॉज आया है तो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया आप उसको भी जरूर से जरूर देख के जाइएगा आपकी बहुत हेल्प करेगी वो वीडियो ठीक है सेकेंड ये तो हो गई आपके लीगल एस्पेक्ट्स की बात अब लीगल एस्पेक्ट्स के अलावा और आपको क्या तैयार करना है सिर्फ ब्रशिंग अप द लीगल नॉलेज इज नॉट सफिशियंट बिकॉज जुडिशरी में इंटरव्यू के टाइम पर आपसे लीगल नॉलेज के अलावा भी बहुत कुछ पूछा जाएगा लीगल नॉलेज तो वो आपके मेंस में चेक कर चुके हैं मेंस का एग्जाम आप क्लियर करके आए हैं यू हैव दीगल नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी पोस्ट हाउ एवर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे ऑब्वियसली विल बी आस्किंग यू सर्टेन मॉर लीगल क्वेश्चन नॉट स्ट्रिक्टली फ्रॉम द सिलेबस जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वहां से भी पूछ सकते हैं बट वो रिसेंटली न्यूज में होनी चाहिए उत्तराखंड के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि उत्तराखंड इकोलॉजी एनवायरमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर भी इम्पोर्टेंट है वहां से पूछे जा सकते हैं जो मेजर हाईवेज की कंस्ट्रक्शन हो रही है पहाड़ों को काटकर जो नए रोड बन रहे हैं अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट पर है ना ठीक है और, और उसके अलावा क्या पूछा जाएगा आपकी शहर से हैं, आपके शहर में क्या इंपॉर्टेंट है अपने शहर की खासियत आपको पता होनी चाहिए आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए आप जुडिशियल ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं आपको कोई बताने नहीं आएगा इन सवालों का जवाब ये आपको खुद से पूछना है एंड बी ट्रू वाइल आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन वाइल अपेयरिंग इन द इंटरव्यू दूसरा एस्पेक्ट जो आपको uh, पॉइंट को अवॉइड करने के लिए मतलब अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे वो कैसे करेंगे लीगल नॉलेज को ब्रशअप करके और उसके साथ साथुलियर होने से पहले अपने सवाल खुद से कुछ ड्राफ्ट कर लीजिए कि जो पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन द इंटरव्यू आपसे पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबाउट आप जुडिशियल सिस्टम को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको जुडिशियल रोल से जज के रोल से जज के इंपॉर्टेंट रोल से लीगल सिस्टम में क्या है उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं उसके अलावा आपसे ओवरऑल पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप पेंडेंसी ऑफ केसेस में कैसे हेल्प करेंगे तो वहां आपको बहुत ही कंपोज्ड होकर सही तरीके से जवाब देना है जो आपको बेस्ट लगे आपको मगर इंटरव्यू में आपको पहले आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप घर से उनका प्रैक्टिस कर लीजिए कि मतलब अपने मन में अपनी कॉपी पेन में एंटीसिपेटेड क्वेश्चन लिख लीजिए कि मैं अगर जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं जा रहा हूं तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हिम यू तो उनके जवाब एक तरह से आप बोल लीजिए मोरल आंसर अपने आप से तैयार कर लीजिए ठीक है और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते बिकॉज यू आर अपेयरिंग इन दुडिशियल सर्विसेज इंटरव्यू तो इस चैनल पर बने रहिएगा और कोर्स uh, से बने रहिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे मॉडल क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे और आपसे रैंडमली पूछेंगे भी ठीक है तीसरी जो मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है वो है इन एडिक्वेट कम्युनिकेशन स्किल वाइल अपेयरिंग इन द जुडिशियल इंटरव्यू योर कम्युनिकेशन शुड बी शन स्किल्स शुड भी गुड आपको रैम्बल नहीं करता इंटरव्यू के टाइम पर कोशिश कीजिए आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए इंटरव्यूअर के साथ जब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आप अपने सवाल को इंटरव्यूअर से आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हुए दीजिए और ऐसा नहीं कि उसको घूरना है घूरना नहीं है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू पैनल में जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनको घूरना नहीं है नाइस nice स्माइल के साथ आई कांटेक्ट डीसेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए अपने सवाल का जवाब देना है जो आपको ठीक लगी सोच समझ कर ठीक है आपको अपने आंसर को कंसाइस रखना है कंसाइंस रखने का मतलब छोटा जितना कोशिश करके हो सके जितना आपसे पूछा गया सिर्फ आप उतना ही बताना क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडिडेट बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है और उससे फिर वहीं से इंटरव्यूअर सवाल निकालने की कोशिश करता है और जब एक चेन से दूसरी चेन से तीसरी चेन से जब सवाल निकलेंगे तो आप कही कहीं ना कहीं फंस जाएंगे तो अपने आंसर को देते समय बी कंसाइज एज मच एज पॉसिबल अपने रिस्पॉन्सिब अपने रिस्पॉन्स को अपने जवाबों को स्ट्रक्चर्ड वे में दीजिए दो सेकंड पांच सेकंड अपने मन में सोचिए पहले जवाब देने से फिर उसके बाद उसको रिप्लाई कीजिए और कई बार ऐसा होता है कि आपको एट मोमेंट उस सवाल का जवाब नहीं आता है ठीक है तब उस स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं आप बोल सकते हैं कि सर कैन आई थिंक ओवर दिस फॉर फिफ्टीन सेकेंड्स आंसर पैनल से आप ये पूछ सकते हैं वो आपको परमिशन दे देंगे इस चीज की और एक जो सवाल कैंडिडेट्स के माइंड में ये रहता है कि हमसे सवाल इंग्लिश में पूछा है मगर हम इंग्लिश में सवाल का जवाब देने में कॉन्फिडेंट नहीं है बिकॉज़ वी हैव अपीयरड इन द एग्जामिनेशन जो हमने हिंदी पेपर हिंदी भाषा हमने अपना हिंदी मीडियम चूज किया था तो उस हिसाब से हम अपीयर हुए हैं तब ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करें देखिए कोशिश करिए कि अगर आपसे हिंदी में सवाल पूछा गया है तो आप उसका हिंदी में जवाब दे इंग्लिश में पूछा गया है तो आप इंग्लिश में जवाब दे मगर आपको ये लगता है कि मुझसे पूछा गया इंग्लिश में सवाल है मगर मैं हिंदी में जवाब दूंगा या वाइस हिंदी में पूछा गया और मैं इसका इंग्लिश में जवाब दूंगा तो मुझसे कुछ गलती हो सकती है सो इट इज एडवाइजेबल इन दो सिचुएशन की आप पैनल से परमिशन ले लीजिए कि सर माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज हिंदी और इंग्लिश एज द केस में जो मेरा माध्यम है वो हिंदी है या इंग्लिश है तो मैं जो भी आपका माध्यम है उसमें कंफर्टेबल हूं उसी माध्यम में आंसर देने के लिए तो मैं इसके लिए आपकी परमिशन चाहता हूं कि मैं उस लैंग्वेज uh, के अंदर जवाब दे सकता हूं सवालों इसमें पैनल कोई बुरा नहीं मानता बल्कि आपको अप्रिशिएट ही करेगा तो आप जिस भाषा के अंदर कंफर्टेबल हैं, उसके लिए परमिशन ले सकते हैं ठीक है और उसमें अपनी बात का अपने uh, अपना आंसर दे सकते हैं जो आपको अवॉइड करना है वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज देखिए कोई व्यक्ति जब बोलता है तो उसके वर्ड से ज्यादा वो किस तरीके से बोल रहा है ये ज्यादा इंपैक्ट रखता है आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने अपियर होते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं तो यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस दैट कई बार हमारी आदत होती है बगले झांकने की इंटरव्यूअर पैनल हमसे सवाल पूछ रहा है और हम लेफ्ट राइट -right देखते हैं या हाथों को टैप करने की आदत होती है या फिर पैरों को टैप टप टपाने की आवाज होती है जब आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना है बिल्कुल कंपोज होकर शांत तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करना है ठीक है मूविंग फर्दर द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अवॉइड वाइल अपियरिंग इन द उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस देखिए जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस बुरा है उसी तरीके से अंडर कॉन्फिडेंस भी बुरा है यू शुड अवॉइड बोथ थिंग्स देखिए हम जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं और आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे जस्टिस क्या है न्याय क्या है बैलेंसिंग ऑफ कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट जो आपस में विवादित इंटरेस्ट थे उनके बीच में समन्वय करना है आपको ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है यू हैव टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट एज यू आर बी रियल वाइल्ड अपियरिंग इन उत्तराखंड जुडिशरी इंटरव्यू फाइंड अ बैलेंस अवॉइड एरोगेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको सवाल का जवाब देते हुए एरोगेंट नहीं होना है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो नहीं करना है देखिए कई बार क्या होता है इंटरव्यू पैनल आपसे कोई सवाल पूछता है ठीक है आपको आप जब उसका जवाब देते हैं और आपने वो अपने हिसाब से उस सवाल का जवाब सही दिया होता है और वो सही होता भी है मगर इंटरव्यू पैनल आपके कॉन्फिडेंस को शेक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत डीमोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं या आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए आपके जवाब को ही डाउटफुल सिचुएशन में डालने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से वो बोल सकते हैं अच्छा ऐसा है हमें तो नहीं लगता कि आपका जवाब ठीक है हो सकता है वो बराबर वाले से भी पूछे ये तो गलत बता रहा है ना तब ऐसी स्थिति के अंदर आपको एरोगेंट नहीं होना है कि सर आ, मैं ही ठीक हूं आप गलत है ऐसा नहीं कहना है आपको बड़े प्यार से ये कहना है सर जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से इस सवाल का जवाब ये है बट अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका और कुछ जवाब बनता है तो मैं जाके इस इंटरव्यू पैनल से इंटरव्यू के बाद मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करूंगा इस बात पर आपको अड़ नहीं जाना है कि मैं ही ठीक हूं ठीक है अगली बात जो है वो है सो रिस्पेक्ट आपको बहुत आदरपूर्ण भाव से यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स दैनल नॉट ओनली पैनल जब आप इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं वहां बहुत सारे एम्प्लॉज होते हैं चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हो या वो गेट कीपर जिस रूम के अंदर आपका इंटरव्यू है जो आपके लिए गेट ओपन कर रहा है आपको सबके लिए रिस्पेक्टफुल रहना है ये नहीं कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने तो बहुत इज्जत के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आ रहे हैं और जो भैया जो गेट कीपर आपके लिए गेट खोलता है उसको कह दे खोल दे भाई क्यों देर लगा रहा है इंटरव्यू है मेरा ये बात पैनल को सुन गई तो आपका इंप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा उस पर और आप किसकी बात कर रहे हैं हम जुडिशियल ऑफिसर की बात कर रहे हैं जो डिसेंट है जिसमें सब चीजों की सूझबूझ है तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना है सो दिस थिंग यू हैव टू अवॉइड नॉट टू बी एरोगेंट नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट नॉट टू बी अंडर कॉन्फिडेंट नॉट टू बी डिस अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है हमें मूविंग फर्दर नेगेटिविटी और क्रिटिसिजम को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है जब भी, भी आप इंटरव्यू पैनल के सामने अपियर हो रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी नेगेटिव बातें हैं आप अपने मन तक रखिए इंटरव्यू पैनल को मत बताइए अबाउट योर पास्ट कंपनी ठीक है अबाउट योर पास्ट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कि जी मेरे पास तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था एक रुपया नहीं आ रहा था सोचा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर लूं या पुरानी आप जहां पे अगर हो सकता है कि आप करंटली कहीं पे वर्किंग हो और आपका जुडिशियल इंटरव्यू भी हो गया तो पूछा जाए कि आप वहां की नौकरी छोड़ के क्यों वो तो अच्छी जॉब थी आप जुडिशियल सर्विस क्यों आना चाह रहे हैं तो उस समय उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करना है ठीक है आपके फ्रेंड्स सर्कल या किसी और के बारे में कोई भी नेगेटिव बात आपको पैनल को के सामने नहीं बोलनी है किसी भी तरीके के क्रिटिसिज्म से या सरकार की जो पॉलिसीज हैं ठीक है उनसे बचना है अवॉइड नेगेटिविटी अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसिस कॉलेग फॉर्म एंड क्रिटिसाइजिंग दी जजमेंट्स अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है किसी जजमेंट से एग्री नहीं करने का तो आप उसको रख सकते बट वो रिस्पेक्टफुल तरीके से ठीक है फार्मर इशू हुआ था सरकार ने वो फार्मर्स बिल विड्रॉ किए थे तो उससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट वट यू आर से बिफोर दैनल जबकि आपको किस चीज पर फोकस करना है पॉजिटिविटी पर आपने अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान चाहे जब आपका इवन प्री क्लियर नहीं होता उससे पहले आपने स्टडी टाइम में क्या सीखा ठीक है आपकी इंटरव्यू तक पहुंचने की जर्नी में आपने क्या सीखा आपको इन बातों पर फोकस करना है यू हैव टू फोकस इंस्टेड अपॉन वट यू हैव लर्न पॉजिटिव टेकअवेज और डिस्क्रिशन और गुड जजमेंट इन चीजों पर फोकस करना है, और अवॉइड क्या करना है पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में नेगेटिविटी कॉलिंग और फॉर्म्स के बारे में नेगेटिविटी क्रिटिसाइजिंग केसेस के बारे में नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करना है मूविंग फर्दर यू हैव टू शो दुडिशियल क्वालिटी इज बिफोर पैनल. कि भाई मैं तो रेडी मटेरियल हूं टू बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और वह जुडिशियल क्वालिटी आपके कैसे पता चलेंगी आपके व्यवहार से पता चलेगी आपके डिमिनर से पता चलेगी आपका डिमिनर कंपोज होना चाहिए रिस्पेक्टफुल प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड क्लियरली जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो आप अपनी बात को पैनल को या सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा भी पा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है जजमेंट द जजमेंट योर जजमेंट कैपेबिलिटीज फेयर एथिकल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो सकता है आपसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछा जाए कि आप के साथ ये घटना घटित हो जाती है तब आप उस स्थिति के अंदर क्या करेंगे और कई बार वो बहुत डिफिकल्ट पर्सनल क्वेश्चन पूछ देते हैं लीगल सिनेरियो बना के तो आपको उन सवालों का जवाब बहुत अच्छे से फेयर तरीके से देना है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा इंटरव्यू माइंडसेट के साथ जाना है अपने इंटरव्यू को देने के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए कॉन्फिडेंस होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए रिसर्च प्रैक्टिस एंटिसिपेट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन को पहले ही सोच के चलो कि हाँ मुझसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर पहले ही तैयार करके रखो कुछ क्वेश्चन के प्रोफेशनलिज्म शो करो जितना हो सके पॉसिबल और अपना इंप्रेशन पैनल के ऊपर छोड़ के आओ जिन सारी मिस्टेक्स को मैंने आपको बताया अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे तो आई एम श्योर कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा हो सकता है कि आपके कुछ सवाल गलत हो देखिए ये नहीं है कि आपसे अगर 20 सवाल पूछे आप बोलोगे कि सर 20 भी सवाल पूछ लेते हैं 30 30 सवाल तक पूछे जाते हैं कई बार 30 30 क्वेश्चंस सारे पर्सनल लीगल और सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपसे बीस सवाल भी ऑन एवरेज पूछे क्योंकि लगभग पच्चीस से तीस मिनट का आपका इंटरव्यू जाएगा ठीक है उस दौरान हो सकता है आपको कुछ, कुछ सवालों का जवाब नहीं पता तो आप अगर बिल्कुल नहीं पता तो आप क्लियरली बोल दीजिए मुझे नहीं पता आई विल अपडेट माई नॉलेज आफ्टर गोइंग फ्रॉम इंटरव्यू और अगर आपने एक दो सवाल का गलत जवाब भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे यह नहीं है कि आप रिजेक्ट ही हो जाओगे क्योंकि ओवरऑल आपका लीगल नॉलेज पर्सनालिटी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है इन सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स आपके एथिक्स बहुत हाई लेवल के होने चाहिए आपका टेम्परामेंट काम होना चाहिए शांत स्वभाव के होने चाहिए और कंपोज टेम्परामेंट आपका होना चाहिए विद दिस आई एम क्लोजिंग टूडे सेशन फीडबैक जरूर दीजिएगा आपके कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा और मेरी बस आपको यही बेस्ट विशेष है कि इस इंटरव्यू के बाद यू विल बी दुडिशियल ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से इंटरव्यू गाइडेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर उत्तराखंड जुडिशरी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर अपीयरिंग इन द उत्तराखंड जुडिशरी 2024 ट्वेंटी विच आर शेड्यूल्ड फ्रॉम थर्टी अप्रैल टू थर्ड में चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेसन के अंदर थैंक यू